तो दोस्तों Realme 10 सीरीज इसी साल लॉन्च हो रहा है और ये अभी ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। Realme इंडिया के CEO माधव सेठ ने भी अपने ट्वीट में ये कंफर्म कर दिया है गाइज, और ये भी बताया जा रहा है गाइज कि Realme 10 Pro Plus 5G में MediaTek का न्यू Dimensity 1080 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। और शायद आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले माधव सेठ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था Realme अपकमिंग 5G फोन का प्राइस $150 से नीचे होगा। Or even lower. We have a handsets already starting from $150. Right? Okay. What we are trying to bring is to bring more affordable 5G phones into the ecosystem. $150 guys, यानी कि 12,000 से नीचे ही फोन रहने वाला है, उससे भी कम हो सकता है। बात करते हैं Realme 10 Pro Plus 5G के बारे में, जैसे कि guys इस फोन में कौन सा प्रोसेसर होगा ये तो कंफर्म हो गया है, तो उसके हिसाब से guys हम इस फोन की स्पेक्स के बारे में बात करेंगे। तो guys MediaTek का ये नया प्रोसेसर 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा को सपोर्ट कर सकता है और इससे 4K 60fps पर HDR वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। तो गाइज Realme 10 सीरीज में अगर 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा देखने को मिला तो इसका प्राइस गाइज ऑब्वियसली 20 से 25,000 रुपए से स्टार्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ Realme 10 Pro फोन का डिजाइन कुछ इस तरीके का हो सकता है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस फोन के बारे में ये न्यूज आ रही थी, जैसे जैसे इसके बारे में और अपडेट्स आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा गाइज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस। योर क्वेश्चन माय क्वेश्चन। हरिद्वार से आए हैं? या यहां किस लिए आए हैं? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9,00,000 वर्ष पहले मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। फिर 5 वर्ष पहले महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया, और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत।